चलेगी, बीजेपी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दोस्तों, मुस्लिम समुदाय के लिए नफरत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जिस देश में सभी लोग अपनी मर्जी से अपने अधिकार के साथ जी सकते हैं, वहीं मुस्लिम समुदाय के इस अधिकार को छीना जा रहा है, उनको लगातार सताया जा रहा है। मुस्लिम समुदाय को परेशान करके लगातार वीडियो सामने आने लगे हैं। कहीं मुस्लिम समुदाय को मारा जा रहा है तो कहीं उनके नरसंहार की बात होती है। बार बार मुस्लिम समुदाय पर यातनाएं की जा रही हैं और फिर भी भाजपा सरकार चुप है। आज हम आपको कुछ ऐसे ही वीडियो दिखाएंगे जिसे देखकर आपको भी शर्म आएगी इस मोदी सरकार पर। नमस्कार, मैं ज्योति। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहले आप इस वीडियो को देखिए। बीजेपी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बीजेपी मुर्दाबाद, 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 परिवार मुर्दाबाद, 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 सेना मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो देखा आपने दोस्तों, ये खुद बता रहे हैं कि इनके पिता की पुलिस वालों ने हत्या कर दी। ये वीडियो कर्नाटक का बताया जा रहा है, जहां एक तरफ मुस्लिम समुदाय को भाजपा सरकार के नेता खत्म करने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पुलिस वाले मुस्लिम समुदाय को मार रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं, जिसको इस देश के सरकार चुपचाप देख रही है। इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं हो रही है। दोस्तों, अशरफ हुसैन ने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, कर्नाटक के आलंद में मुसलमानों का आरोप है कि पुलिस उन्हें परेशान कर रही है, उनके बच्चों को उठा कर ले गई। पुलिस के उत्पीड़न के कारण एक महिला एवं एक व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत हो गई। हिंदू संगठन के दरगाह में शिवलिंग होने का दावा किया है। इलाके में धारा 140 लगी हुई है। ये महिला किस तरह से रो रही है, आप इसका भी वीडियो देखिए। अरे ला, ये पुलिस आ गया, आवाज सुनकर मेरा आदमी गया। अरे ला, मैं क्या करूँ, रे ला, मैं कैसा देखूँ, ए माँ, ये क्या आफत है, रे ला, माँ, ऐसी आफत कई को आग लगी, रे ला, मैं क्या करूँगे माँ, अच्छा बैठे थे तो माँ। मृतक के बेटे का आरोप है कि पुलिस के दबिश देने के बाद उनके पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई। दोस्तों, मुस्लिम समुदाय दहशत में आ गई है, डरे हुए हैं। और ये मामला यही नहीं रुका है दोस्तों, मुस्लिम समुदाय को पीटा जा रहा है और उनके बच्चों को भी अगवा किया जा रहा है। आगे और हम वीडियो आपको दिखाएंगे। अशरफ हुसैन ने शेयर करते हुए लिखा, पुलिस पर महिलाओं को पीटने एवं उनके बच्चों को उठाकर ले जाने का भी आरोप लगा है। इस वीडियो में महिला क्या कह रही है उसे भी सुनिए। क्या हुआ आपको, क्या हुआ बताओ, कहाँ लगा मार, कहाँ लगा मार, लगा बार, कहाँ लगा, देखो हाथ को, कहाँ लगा कोने को, देखो ठीक है। कौन मारे आपको, मारे वो बच्चे को, जरा नको ले जाओ, और कैसा ये करना, पुलिस वाले मारे, हाँ हाँ, कितने पुलिस वाले थे, पांच छह अंदर रहते, तो ऐसा है क्या, अच्छा, और कितने आपके बच्चों को लेके गए, दो दो बच्चे ले गए, अच्छा, मारते लेके गए, मारते ले गए, और गाली गलौज करे, उन्होंने गाली गलौज करे, पुलिस वाले क्या गालियां दिए, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक। तो सुना आपने, मुस्लिम समुदाय के ऊपर पुलिस वालों की गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। एक और वीडियो सामने आया है जिसमें मुस्लिम महिला के पति को बिना किसी कसूर के पुलिस वालों ने पीटा और उसको उठा कर लेके चले गए। अशरफ हुसैन ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, एक महिला का आरोप है कि पुलिस उनके घर में घुसी, उनसे बदतमीजी की गई एवं उनके पति को उठा कर ले गए। दोस्तों, अब आप इस वीडियो को भी देखिए कि ये महिला क्या बता रही है। मैं पहले उठने पर मैं भी, हमारी बच्ची थी, हमारे आदमी सो गए थे, नमाज को वजूज कर रही, आप धड़ 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 के बारे में दरवाजा खुली, पूरे धड़ा 15-20 पुलिस घुसे अंदर, घुसने में बच्ची को से ढकले, मेरे को ढकल, बोले कहा है आदमी, बता तुम्हारे बच्चे कहा है, बता, बोले रात में चेके पर जटानी बच्चे को लेकर घर में से उठा को, और उम्र बच्चे नहीं है, वह कल हमारे आदमी सो गए, तो उनको पकड़ो, कहलो पकड़ो, घिसड़ने से लेकर गए हमारे आदमी को भी, कितने पुलिस वाले आए थे, औरता नहीं थे कौन भी साथ में, लेडीज पुलिस नहीं थी ना, 20-25 पुलिस घर घेर लेने लगे, तो मेरे को भी लग चला, मेरा बच्चा
साथ में बोली बच्चे तुम्हारे साथ गाली गलौज भी करे उन्होंने तुम्हारे साथ गाली गलौज भी करी ढकले मेरे को भी मेरे बच्चे को भी ढकले मैं वजू कर को अभी नमाज पढ़ने जाने वाले तो ऐसा करे हमारे साथ सुनो। उनके साथ बदतमीजी की जा रही है, उनको जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है। अब ये पुलिस की वर्दी पहनने वाले गुंडे मुस्लिम समुदाय को दफनाने भी नहीं दे रहे हैं। आज हम आपको ये पुलिस वालों की वर्दी पहने गुंडों का सच दिखाने वाले हैं। दोस्तों एक और वीडियो सामने आया है, आप इसे भी देखिए। हुसैन ने ट्वीट कर लिखा, लोकल लोगों का आरोप है कि मैयत को दफन करने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इस वीडियो को भी देखिए आप। दरगाह में जाने के लिए रास्ता है वहाँ पर नहीं जाने दे रहे अंदर। मैयत के लिए हमारा कब्रिस्तान अंदर है। हमारा दरगाह में कब्रिस्तान है, हमारे को जाने नहीं दे रहे अंदर दरगाह में खबर मैयत करने के लिए खड्डा खोदने के लिए जाने ही नहीं दे रहे हमारे को। परमिशन नहीं, यहाँ के पुलिस बोलते हैं परमिशन नहीं, क्या बोलते हैं परमिशन लिए जा रहे तो परमिशन नहीं दे रहे। वहाँ की पूरी चेहरे में पूरे दरगाह में जाने ही नहीं दे रहे हमारे को। हम कहाँ रखना और क्या करना मैयत ये बताओ हमको। तुम बोलो जो इंतकाल हुआ सो है हमारे पूरे बिरादरी को दरगाह में रखते हैं दादा के पास हमारे तो खड्डा खोदने नहीं दे रहे तो वहाँ मैयत लेकाने नहीं दे रहे तो ये मैयत कहाँ रखना। कौन बोले नको लेके आओ बोल के पुलिस वाले किसको बोले आके बोले ये हमारे लोगों को जो हमारे लोग खड्डा खोदते नहीं उनको मना करे उन्होंने तो खड्डा खोदने का तो वापिस भेजे क्या बोल के नहीं खोदने देते अंदर परमिशन नहीं जाने देते। परमिशन किससे लेना कहते नहीं परमिशन ही ना है तुम्हारे को परमिशन लेको ऐसा बोल रहे क्या। नहीं मिलता हमारे कोई परमिशन नहीं है वहाँ। अच्छा अच्छा जब भी इंतकाल हुआ हमारे को दरगाह में रखते हैं। अच्छा नहीं जब भी नहीं जब भी इंतकाल होता है तो पुलिस वालों को पूछ के वहाँ खड्डा खोदते क्या खुद नहीं ना नहीं ना। देखा आपने दोस्तों इस सरकार का इस सरकार की प्रशासन का गंदा चेहरा। यही नहीं इन सब के बीच दो लोगों की मौत हो गई। जी हाँ दोस्तों दो लोगों की जान जा चुकी है। एक और वीडियो सामने आया है जिसको आप देख सकते हैं। हुसैन ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, जीडीएस जिला युवा अध्यक्ष का आरोप है कि पुलिस मुसलमानों को सता रही है। अब तक दो लोगों की मौत हो चुकी है जिसमें एक खातून है। लाकर अरेस्ट करने का यहाँ पर एक खातून जिसका आज इंतकाल हुआ पैनिक अटैक से। सुबह में पुलिस वाले आए आकर इनको हराश करे, हालांकि ये बोल रहे घर के लोग बोल रहे कि ये खातून हम लोग नहीं थे प्रोटेस्ट के अंदर कोई चीज में नहीं था, फिर भी आकर इनको जबरदस्ती करे शिगोट अनकॉन्शियस अनकॉन्शियस होकर इनका इंतकाल हो गया। अब इसका जिम्मेदार कौन है। अब मुस्लिम संगठन के लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है लेकिन सरकार अभी भी अपनी सत्ता की भूख में चूर है। बहरहाल दोस्तों इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।